नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। दुनिया ने हमास की दरिंदगी सोशल मीडिया पर वायरल जर्मन महिला के उस वीडियो में देखी जिसमें उसे अधमरा करके नग्न करके एक ट्रक में घुमाया गया, वीडियो बनाया गया और तो और अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। शानी जर्मन नागरिक थी और हमास के हमले के समय सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने आई थी। हमास के आतंकियों ने इस फेस्टिवल पर हमला करके 260 लोगों को मार दिया था और बड़ी संख्या में लोगों को अगवा कर लिया था। अगवा किए जाने वालों में शानी भी शामिल थी। लेकिन दुख की बात यह है कि शानी की मौत पर सोशल मीडिया पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने उनका मजाक बनाकर रख दिया और तो और शानी की देह को नग्न घुमाए जाने पर उसे सही ठहराया। ऐसी गिरी हुई मानसिकता वाले लोग हमारे बीच हैं और वो हमास का समर्थन फिलिस्तीन के कंधे पर कर रहे हैं। ऐसे दोहरे चरित्र के लोग देश के जयचंद हैं। हमास के इस करतूत को कुछ लोग ढकने के लिए, हमास के पापों पर पर्दा डालने के लिए इस वीडियो को ही झूठा करार दे रहे हैं। कहा गया कि ट्रक में दिखाई गई नग्न लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। आप जरा ये पोस्ट देखिए। ट्विटर पर लगातार नफरत फैलाने वाले अली सोहराब ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि शानी कोई महिला नहीं बल्कि एक पुरुष है। आप उनका ये ट्वीट देख सकते हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, ट्रक में कोई महिला नहीं बल्कि एक पुरुष है। वही प्रोफेसर नूरल नाम के एक अकाउंट ने जर्मनी महिला के मृत शरीर को नग्न घुमाए जाने पर कहा था कि हमास ने उतने ही कपड़े दिखाए हैं जितनी इजरायली महिलाएं पहनती हैं। आप जरा इनकी सोच देखिए, इनकी मानसिकता हमास के आतंकियों को साधु बताने में लगी हुई है। यहाँ तक कि इंडियन एक्सप्रेस की पूर्व पत्रकार इरेना अकबर ने भी यह कहकर हमास के पापों को धुलने का प्रयास किया था कि वह उतने ही कपड़े पहने हुए थी। कट्टरपंथी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने शानी का इंस्टाग्राम अकाउंट खोजकर उस पर भद्दे कमेंट किए थे और उनकी मृत और अगवा किए जाने का मजाक उड़ाया था। लेकिन अब हमास के इन पापों का हिसाब इजराइल चुन चुन कर ले रहा है। बेबुनियाद दलीलों के साथ हमास के आतंकियों को साधु बताने वाले इन कट्टरपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। दरअसल अब शानी का शव बरामद कर लिया गया है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही और ये उन्हीं की बॉडी है। शानी की देह पिकअप ट्रक पर देखकर यह कहा गया था कि आतंकियों ने उन्हें मार दिया है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी मां रिकार्डा ने यह दावा किया था कि उनकी बेटी गाजा के अस्पताल में जिंदा है और गंभीर हालत में है। लेकिन अब शानी का शव बरामद हो गया है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि वह मृत है। लेकिन शानी के गुनहगार हमास के इन समर्थकों पर आपकी क्या राय है? समाज के लिए ये लोग कितने सही हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।